मुरादाबाद से खबर दे दें। मुरादाबाद में सीएम योगी से मिलने पहुंचे सपा एमएलए और सांसद। सपा के मुरादाबाद के पांचों विधायक मिलने के लिए पहुंचे हैं। सांसद एसटी हसन भी सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, जब वो पहुंच रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आजम खान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात हो गई। मदरसा के सर्वे को लेकर भी बातचीत करेंगे सपा के नेता। तो जो सपा एमएलए और सांसद है वो मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर दिखा रहे हैं। मुरादाबाद में आज सीएम है और ऐसे में देखिए सपा के मुरादाबाद के जो पांचों विधायक हैं वो मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। सांसद एसटी हसन भी सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचे। मेरे सहयोगी उबैदुर रहमान जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। उबैदुर रहमान, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एसटी हसन और जो मुरादाबाद के पांचों विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो सीएम से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है? क्या मुलाकात हो चुकी है या अभी होने वाली है? जी हाँ, इन पांचों विधायकों की और सांसद की, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, तो सभी लोग अंदर पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं और मंडल भर के तमाम अधिकारी, सभी विभागों के बड़े अधिकारी मौजूद हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि की हैसियत से ये लोग गए हैं। इन लोगों से जब बात की है हम लोगों ने, तो इनका कहना था कि जो विकास कार्य हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री से बात करेंगे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो आजम खान हैं नेता उनके बारे में बात की जाएगी और जो मदरसों के सर्वे का उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्देश आया है उसको लेकर भी कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, तो उस सिलसिले में भी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सांसद हैं उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री ने जो आज समीक्षा बैठक बुलाई है कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की, तो मुख्यमंत्री का भी यही उद्देश्य है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी विकास कार्य हैं, उसमें कहीं कोई बाधा ना हो, विकास अच्छे से हो। इसलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को बुलाया है, जितने विधायक हैं सांसद हैं सभी को बुलाया गया है और लंबी मीटिंग आज ये चल रही है। अभी इस वक्त सर्किट हाउस के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और सभी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। और इन नेताओं का तो समाजवादी पार्टी का यही कहना था कि वो जो आजम खान से संबंधित मुकदमों का मामला है उस पर वो बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, और साथ ही साथ मदरसों के सर्वे का जो बात चल रही है उसको लेकर के वो अपना पक्ष रख सकते हैं मुख्यमंत्री के सामने। तो कुल मिलाकर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब मौजूद हैं जो मुरादाबाद का सर्किट हाउस है उसमें। अभी जो है वो समीक्षा बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री अंदर ही हैं और तमाम जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी। ठीक है, उबैदुर रहमान, कितनी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितनी देर और ये बैठक चल सकती है? अभी लगभग 15-20 मिनट पहले ये सभी लोग पहुंचे हैं और अंदर अब पहुंच चुके हैं और अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उसके बाद लगभग 2 बजे का टाइम जो है वो मीडिया को दिया गया है। मुख्यमंत्री मीडिया से भी बात करेंगे और जो 107 करोड़ की विकास योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, कुछ का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जो है 3 जगहों पर निरीक्षण के लिए भी जाएंगे। एक गौशाला जाएंगे, उसके साथ साथ एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी है उसके लाभार्थियों को जो है वो चाबी वितरण का कार्यक्रम है और एक जो मुरादाबाद में इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस चली है तो उसका जो चार्जिंग सेंटर है काफी बड़ा उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे। तो 2 बजे के बाद प्रेस से बात करेंगे और उसके बाद वो निरीक्षण के लिए निकलेंगे और उसके बाद शाम को जो है उनको बिजनौर जाना है, फिर बिजनौर में कुछ कार्यक्रम। ठीक है, बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।